Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So today I'll again take you to an event. And आज थोड़ा सा एकदम ही different event है मैंने. Like एक साल से मैं events कर रही हूँ. But this event is a very different event. It's a कीर्तन event. जैसे भजन कीर्तन होता है ना वैसे. तभी तो मैं एकदम ऐसे पूरी देसी girl बनी हूँ. तो आज हमारा कीर्तन का event है. तो मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए क्योंकि इसके पहले मैंने पोस्ट किया था माशा एंड द बैर, अगर आपने हिंदी का तो प्लीज़ जाके देख लो. तो मैंने स्टार्ट किया है सीरीज़ कि मैं जो भी इवेंट करूँगी तो उसका आप लोगों को अपडेट्स नहीं बताऊँगी कि मैं कौन से इवेंट में जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इवेंट कैसा होता है, कैसे इवेंट वर्क करता है, हम लोग क्या काम करते हैं. सो आज का ब्रीफ था येलो कुर्ती एंड ब्लू जीन्स. सो या दिस इज माई आउटफिट. बट रियली लुकिंग I'm really loving my look. Loving क्या होता है, टच और लविंग होती है ना. Loving my look. Yeah. The blush is blushing. My face is facing. और हमेशा की तरह I am late. मेरा नाम ना लेट लतीफ होना चाहिए था. मेरे मम्मी डैडी ने गलत नाम रख दिया. भगवान जी फटाफट पहुँचा देना वेन्यू पे. तो yes. अभी मैं फटाफट जाती हूँ, बस पकड़ती हूँ और फिर मुझे जाना है अंधेरी. सारे इवेंट्स पता नहीं अंधेरी में क्यों होते हैं. हमारे स्कूल में ना एक होता था, क्या बोलते हैं उसको, कोट अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा. अंधेरी का नाम सुन के मुझे वो याद आ जाती है. चलो बहुत ज़्यादा मस्ती हुई, मैंने कुछ नहीं खाया है और मैंने सुबह से शूट भी नहीं कर पाई हूँ. मैंने पूरा घर का काम किया है क्योंकि मम्मी घर पर है ही नहीं, तो मैंने पूरा ऐसे घर का काम कर लिया है. खाना बना लिया है भाई के लिए क्योंकि वो तो पूरा दिन घर पर रहेगा, मैं तो पता नहीं कब आऊँगी. सो यस लेट्स गो गाइस. आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स टू जॉइन एंड दे आर टेकिंग सो मच टाइम. आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ यार. इसकी वजह से लेट हुआ है. हाय तानिया, ये दो फ्रेंड्स हैं जो हम साथ में इवेंट जा रहे हैं. मुझे तो आप जानते ही होंगे, बार बार कई बार देखा होगा. शट अप. और मुझे तो सब जानते हैं. इसने ड्रेस कोड फॉलो किया है. तेरा ड्रेस कोड किधर है? वेयर इज योर ड्रेस कोड? और मेरा ड्रेस कोड मुझे फॉलो करता है. ड्रेस कोड मुझे फॉलो करता है. मैं अभी देख वहाँ पे जाके मैम बोलेगी सब लोग व्हाइट पहन के आओ. मेरा ड्रेस कोड सेम एज येलो. गाइस गर्ल्स फिट चेक करना कभी नहीं बोलते. अच्छा शराब जल्दी जाओ, मुझे इधर डेकोर दिखाना है. जैसे पानी गिर रहा है यहाँ से. थोड़ा पीछे हमारा नाश्ता है. हाय गाइस, अ क्विक अपडेट. सो वी आर मेकिंग दिस हैम्पर्स फॉर द पीपल हु आर अटेंडिंग द कीर्तन. ये लोग एक्चुअली लाइक ये कंपनी जो है यहाँ पे, तो उनकी 60th बर्थडे आई थिंक सो, तो उनके शुभ अवसर पे इन्होंने रखा है कीर्तन. और सभी अब सब शादी होगा थोड़े टाइम में, तब तक हम लोग फटाफट हैम्पर्स बना लेते हैं. कुछ 100 पीपल आने वाले हैं शायद, ऐसा कुछ है. और अभी हम लोग यही बना रहे हैं. इसमें
हम लोग एक तुलसी का प्लांट रख रहे हैं, हनुमान चालीसा रख रहे हैं और एक मिठाई का डब्बा रख रहे हैं। या सो सीन के पास से Guys, we are back. Guys, you are so tired.
हम लोग अंधेरी स्टेशन पे और मैं वेट कर रही हूँ कि ट्रेन आएगी। पूरा बॉडी दुख रहा है मेरा भी, तो पूरा बॉडी पेन कर रहा है। इतना कुछ करना काम था नहीं, लेकिन कभी कभी है ना काम नहीं करके भी शरीर दर्द होता है। हमने काम नहीं किया, हमने ऊपर नीचे बहुत किया, हम लोग ने करवाया बहुत सारा सामान ऊपर नीचे। बस यही है गाइस, द व्लॉग एंड्स हियर। अभी पता नहीं मैं कब पहुंचूंगी, कब सोऊंगी, कब। मैं तो इधर ही है, मेरा घर स्टेशन से उतरते उस साइड 2 मिनट चलने का, पर मेरा घर आवी जाए। और पची तो हूँ घरे गई ने स्नान करी ने सूई जाऊंगा। और गाइस आज मैं ना मैं रोज क्या करता हूँ, घर जाके पार्ले जी बिस्किट खाता हूँ वो पानी के साथ डुबो डुबो के। लेकिन आज इतना सारा खा लिया है, अलग अलग राजस्थानी फूड खाया हमने। चलो मेरी ट्रेन आ चुकी है गाइस। बाय गाइस, लव यू, सब्सक्राइब करो दिस साइड ऑन YouTube। बाय।